दमोह में सरकार शिक्षा के नाम पर एक अच्छा खासा बजट हर वर्ष उपलब्ध कराती है, जिससे बच्चे शिक्षा से जुड़े लेकिन जमीनी तौर पर हालात उल्टे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शाला भवन है वह जर्जर हो चुके हैं। वहीं कुछ भवन तो ऐसे हैं जिनमें बैठने से बच्चे डरते हैं। जब प्राथमिक शाला का भवन इतना जर्जर हो गया है कि बच्चे इसमें बैठने से डरते हैं, यहाँ तक कि अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया है। स्कूल के एक कमरे की दीवार टूटी हुई है तो वहीं दूसरे कमरे में छप्पर नहीं है। प्राथमिक शाला के लिए कई बार अतिरिक्त कक्ष बनाए गए हैं लेकिन सभी जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं। बरसात के मौसम में आप देख रहे हैं कि बच्चा अगर स्कूल के अंदर बैठते हैं तो उनको एक भय, एक डर अपने आप में एक व्यतीत होता है कि ऐसा न हो कि ऊपर से छत गिर जाए। इस भय के कारण बच्चे स्वतंत्रता से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं। एकमात्र पंचायत का सामुदायिक भवन है, उसमें मात्र बच्चे बैठते हैं। और शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है एक बिल्डिंग या मरम्मत के लिए कुछ मदद करें, जिसमें बच्चा इतने भयभीत हैं कि ना बिल्डिंग में बैठ सकते हैं ना शिक्षक पढ़ा सकते हैं।